अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी डू व्हाइल लूप। तो इससे पहले हमने बात की थी व्हाइल लूप पे, और उससे भी पहले हमने बात की थी कि लूप क्या होती है। तो डू व्हाइल लूप जो है ये भी एक रेपिटेटिव स्ट्रक्चर है, या आप इसको कह सकते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर है। काम इसका भी वही है कि इसने भी एक फिक्स नंबर तक अपनी जो आइटरेशन है उनको एग्जीक्यूट करना है, स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स पे ये एग्जीक्यूट करता है, रिपीट करता है अपने टास्क को, अपनी बॉडी को बार बार एग्जीक्यूट करता है, अनलेस एंड अनटिल इसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए। तो इसको आपने देख लिया कि इसमें एक कंडीशन है, बात मैंने की इसमें कंडीशन है, जब तक वो फॉल्स नहीं होती लूप एग्जीक्यूट होती रहती है। इसका सिर्फ सिंटैक्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा व्हाइल लूप से। फ्लो चार्ट पे चलते हैं, वहां से ज्यादा समझ आएगी कि क्या मतलब है मेरा। आप लोग बात करें व्हाइल की, तो वहां हम पहले कंडीशन चेक करते थे। व्हाइल की अगर कंडीशन चेक करने के बाद कंडीशन ट्रू थी, ये व्हाइल है, अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो हम इसके कोड को एग्जीक्यूट करते थे। डू व्हाइल में पहले बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद उसकी कंडीशन को चेक किया जाता है। तो व्हाइल और डू व्हाइल का डिफरेंस क्या हुआ? व्हाइल में पहले हम लोग बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करते थे, पहले कंडीशन चेक करते थे। व्हाइल के केस में पहले कंडीशन चेक की गई, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे कंडीशन फॉल्स हो जाए तो बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर पहली दफा ही जब हमारा कंट्रोल व्हाइल के पास आया, कंडीशन फॉल्स थी, तो व्हाइल की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ये वो बात है जो हम लोग कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे डू व्हाइल का, इसमें क्या डिफरेंस है। डू व्हाइल में कम अज कम एक दफा जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, इनकेस के आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स है, क्योंकि पहले इसमें हर दफा बॉडी एग्जीक्यूट की जाएगी, उसके बाद इसकी कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि पहले बॉडी एग्जीक्यूट की गई फिर कंडीशन चेक की गई, अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर कंडीशन चेक की जाएगी, और फिर उसके बाद दोबारा बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम एट द फर्स्ट पॉइंट ही आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि आपने कंडीशन ही फॉल्स दी हुई थी, तो डू व्हाइल को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक दफा, कम अज कम एक दफा आपकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आके आपकी कंडीशन चेक करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो आपकी लूप को एंड कर देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि डू व्हाइल का जो सिंटैक्स है हमारे पास, उसमें जो कंडीशन है वो एंड पे आती है। सबसे पहले डू का कीवर्ड, ब्रैकेट्स में उसकी बॉडी आती है, और वही जो व्हाइल वाला सिंटैक्स था कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट विद इन द बॉडी आता है, वही है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, और उसके बाद जो कंडीशन है वो बॉडी के बाहर है, यानी बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक की जाएगी, इसलिए इसको पोस्ट फिक्स या जिस हम कहते हैं पोस्ट चेकिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कंडीशन है वो बाद में चेक होती है, पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद जो हमारी उसकी कंडीशन है वो लास्ट पे चेक होती है, इसलिए जो है यहाँ कम अज कम एक दफा आपकी बॉडी जो है लूप की वो एग्जीक्यूट की जाएगी। तो व्हाइल और डू व्हाइल का सबसे बड़ा सिंटैक्स डिफरेंस यही है कि व्हाइल की कंडीशन एट द स्टार्ट होती है, और जो डू व्हाइल है उसकी कंडीशन एट द एंड होती है। और इसमें एक चेंज ये भी है कि व्हाइल की कंडीशन के आगे अगर आप सेमी कॉलन लगाते हो तो जो आपकी व्हाइल है वो इनफाइनाइट बन जाती है, अगर कंडीशन ट्रू थी तो। ठीक है, अगर व्हाइल के केस में कंडीशन ट्रू है और आपने कंडीशन के बाद सेमी कॉलन लगा दिया तो वहां पे लूप जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन यहाँ डू व्हाइल के सिंटैक्स में है कि आपने इसकी कंडीशन को सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट करना है। तो जब भी आप डू व्हाइल लिख रहे हो, अगर आपने यहाँ कंडीशन के बाद सेमी कॉलन ना लगाया तो ये आपको एरर आएगा, आपने इसको सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट करना है, लेकिन आप व्हाइल के केस में यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगा सकती। ठीक है, व्हाइल के केस में सिंटैक्स में सेमी कॉलन नहीं आएगा, डू व्हाइल के केस में आएगा। डू व्हाइल हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें एटलीस्ट एक दफा अपनी चॉइस जो है वो एग्जीक्यूट करवानी हो, या हमने एक दफा अपनी बॉडी जो है वो यूजर को कोड की दिखानी हो एग्जीक्यूट करके, कम अज कम एक दफा ब्लॉक चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो जाए, बेशक कंडीशन फॉल्स भी क्यों ना हो। हम इसकी देखेंगे अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जी। तो हम चेक करेंगे, काम हमारा वही है, हमने 1 से लेकर 5 तक नंबर डिस्प्ले करवाने हैं। अब हमें करवाने किसके थ्रू है? डू व्हाइल के साथ। तो जो लूप काम एक करती है वो दूसरा भी कर सकता है, सिर्फ उसका फर्क कहाँ आता है कि इनमें आप लोग एफिशिएंट कोडिंग की तरफ जब आओ कि किस स्ट्रक्चर के लिए, किस एनवायरनमेंट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेहतर है, तब हम लोग उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, वरना इसमें कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन जब आप एफिशिएंट कोडिंग की बात करो तो आप रिसोर्सेज को भी देख के चलती हो, तो आपने अपने जो नेचर के अकॉर्डिंग, आपकी जो रिक्वायरमेंट की नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप इसका यूज देख लो। तो फिलहाल हमें चाहिए कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल दोनों में कॉमन है, क्योंकि वही कंट्रोल वेरिएबल व्हाइल के आइटरेशन को कंट्रोल करता है, वही कंट्रोल वेरिएबल डू व्हाइल के आइटरेशन को कंट्रोल करेगा। हम देखेंगे कि अगर हम लोग इसको स्किप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। डू का कीवर्ड लिखा, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाई, अब इसमें हम लोग अपने डू व्हाइल की बॉडी को लिखेंगे, जिसमें सिंपल हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वैल्यू है आई की, उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं।
इसके बाद हम लगाएंगे कंट्रोल वेरिएबल जो कि आइटरेशंस को कंट्रोल करेगा। देन हमने एट दी एंड अपनी वाइल की कंडीशन लगाई, मतलब डू के बाद डू वाइल की जहाँ पे आएगी कंडीशन, कंडीशन ये है कि आई लेस देन इक्वल टू 5 है। इसके बाद आ गई नेक्स्ट स्टेटमेंट जो ये है कि ये आ गई जी नेक्स्ट स्टेटमेंट से, ठीक हो गया। अब इसकी हम वन बाय वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन देख लेंगे कि एग्जीक्यूशन कैसे कर रहा है और कितना हमें आउटपुट शो हुई। तो जी हमें शो हुआ है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, साथ ही नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंट्रोल वेरिएबल है ये, इसको स्टार्टिंग पॉइंट देगा कि तुम्हें यहाँ से चलना है, और ये जो हमारे पास कंडीशन के बाद ये नंबर है कॉन्स्टेंट है, ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ये इसको अपना एक एंडिंग पॉइंट देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आई से जे तक चलना है और जे की वैल्यू मैंने यहाँ 5 कर दी, ये चलना 1 to 5 था, मैंने वो वैल्यूज अपने वेरिएबल में शो करवा ली, स्टोर करवा ली। अब मेरा काम ये है कि मैं लूप को उधर तक लेके चल रही, तो स्टार्ट मेरा आई से है और एंडिंग पॉइंट मेरा जे के अंदर है। तो आप यहाँ पे वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, कॉन्स्टेंट भी यूज करते हो, या आप पे है कि आप इसको क्या इस्तेमाल करते हो। मैंने आई जो है वो वन तक, वन से स्टार्ट हो रहा है, आई के अंदर 1 है जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और एंडिंग पॉइंट मैंने जे के अंदर स्टोर करवा लिया। अब मैंने कंडीशन लगा ली कि आई इज लेस देन इक्वल टू जे, उस टाइम तक मेरी लूप जो है वो चलती रहे। कंपाइलर ने क्या करना है, कंपाइलर ने जैसे ही देखा कि डू है वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक आप प्रोग्राम को एंड नहीं करते, या इसको कोई एंडिंग कंडीशन नहीं मिलती, इसको टर्मिनेशन वाली कंडीशन नहीं मिलती, ये इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। कंपाइलर जब तक कभी रिलाई नहीं करना कि जी वो अंडरस्टैंड करके कंडीशन टर्मिनेट कर दे, वो कभी भी नहीं करेगा, टर्मिनेशन आपको खुद करनी होगी, ठीक है। टर्मिनेशन की कंडीशन हमारा यूजर खुद लगाता है, प्रोग्रामर खुद लगाता है, टर्मिनेट करना कैसे है ये कंपाइलर तो नहीं पता, वो सिर्फ टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब कब टर्मिनेट करना है कंपाइलर नहीं जानता, वो आप बताते हो, फिर जैसे कंडीशन फॉल्स होती है कंपाइलर वहां पर टर्मिनेट कर देगा। तो एग्जीक्यूशन की बात करें तो आई के पास 1 है, तो देखने वाले हैं इसकी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के हम लोग एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हमारा कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट कैसे करता है, या आप ड्राई रन कैसे कर सकते हैं, तो वो बेसिकली ड्राई रन करने वाले। तो जी आई की वैल्यू 1 है, डू कंपाइलर को पता चल गया लूप है, अंदर आया उसने बॉडी एग्जीक्यूट की बगैर कोई कंडीशन चेक की है, तो इस टाइम पे हमें 1 शो हो गया क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी। इसके बाद आया जी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, तो इधर क्या होगा, इधर आई की वैल्यू जो है वो 2 कर दी जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2 कर दी गई क्योंकि इंक्रीमेंट वाला पार्ट है, तो आई की वैल्यू को चेंज करेगा। देन वो इस पार्ट पे आके कंडीशन को इवेलुएट करने वाला है, जो हमने फ्लो चार्ट में देखा कि कंडीशन जो है वो एंड पे आती है। अब यहाँ पे आके कंडीशन चेक की गई, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, जे के अंदर क्या है जी 5, लेस देन इक्वल टू 5 क्या है, यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। इसके ट्रू होने के बाद क्या किया जाएगा, दोबारा हमारे ये जो डू व्हाइल के हमने क्या किया, यहाँ पे जो चेक किया जाएगा ये दोबारा कंडीशन को और उसकी बॉडी को चेक किया जाएगा, कभी भी उसका इंक्रीमेंट वो जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वो कभी भी चेक नहीं किया जाएगा, वो एट द फर्स्ट टाइम किया जाता है जब हमारा कंपाइलर पहली दफा लूप को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो आपने याद रखना है बार बार जो आपका काम है वो आपका लूप की कंडीशन और उसकी बॉडी या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट के साथ। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू थी, तो क्या किया गया, बॉडी को एक दफा एग्जीक्यूट किया गया, दोबारा आई को चेंज करके 3 कर दिया गया। इसके बाद क्या किया जाएगा, 3 करने के बाद उसने क्या किया, दोबारा इंक्रीमेंट वाला पार्ट, सॉरी यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला पार्ट से 3 हुआ, कंडीशन चेक की गई कि जो है हमारी अब क्या हो गई थी, यहाँ पे कंडीशन ठीक हो गया, यहाँ पे कंडीशन चेक हो गई थी, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट किया, आई इज 2 हो गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पे 1 नहीं था, यहाँ 2 की चेकिंग थी। अब यहाँ पे चेक करेगा कि 3 जो है 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, दोबारा बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे 3 हमें शो करवा देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 4 हो गया इंक्रीमेंट होने के बाद, और यहाँ पे चेक किया जाएगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, दोबारा बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और इंक्रीमेंट करने के बाद 5 कर देगा। यहाँ पे कंडीशन चेक की गई, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, बॉडी को एग्जीक्यूट किया गया एक दफा, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला पार्ट किया गया। और यहाँ पे चेक करें, अब जो कंडीशन है वो 6 है, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ से ही अब कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है, बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगी कंडीशन के फॉल्स होते ही, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो आपको आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये केस तब था जब आप यहाँ पे गौर करने वाली चीज ये है कि आइट्रेशन उतनी ही हुई है जितनी हमने चाहिए थी, जबकि उन्होंने कहा था कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, लाइक 3 में पड़ा कि कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एक आइट्रेशन होती है, तो वो ट्रू के केस में नहीं होती,
वो उस केस में होगी जब आपकी स्टार्टिंग कंडीशन, जब आपका कंपाइलर अभी अंदर आया ही है तो वहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने कंडीशन दी थी कि जो है 1 <= 5, और अब मैं जो है 1 का मतलब यहाँ पे मेरा आई था कि i <= 5। अगर मैंने कंडीशन ही फॉल्स दे दी, और मैंने कंडीशन फॉल्स दे दी है तो क्या होगा, स्टार्टिंग कंडीशन इसकी फॉल्स है तो एटलीस्ट एक दफा जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, अगर आपकी स्टार्टिंग कंडीशन फॉल्स है तो डू क्या करेगा, एक दफा उसको जरूर एग्जीक्यूट करवाएगा अगर स्टार्टिंग कंडीशन फॉल्स है तब। अगर कंडीशन ट्रू थी तो जितनी आइटरेशन आपने दिखी थी उतनी आइटरेशन परफॉर्म की जाएंगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा आइटरेशन नहीं आएगी क्योंकि आपकी स्टार्टिंग कंडीशन जो थी वो ट्रू है। तो ये केस याद रखना है, स्टार्टिंग कंडीशन फॉल्स हो तो आपकी लूप एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होती है, अगर स्टार्टिंग कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम नहीं होता। हम बात करेंगे अगर हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट यहाँ से ऑप्शनल कर दें तो क्या हमारा जो कंपाइलर है वो सही चलेगा। यहाँ की कंडीशन को करते हैं ट्रू क्योंकि फॉल्स कंडीशन के लिए तो सिर्फ एक दफा चलना है। तो ये हो गई है जी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों हो गई, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, आई 1 है और 1 इज ऑलवेज लेस देन 5, और ये कंडीशन कभी भी गलत नहीं होगी। तो कंपाइलर क्या करेगा, वो इसी कोड में, इतने कोड में स्टक रहेगा, जब यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑप्शनल हो वो यहाँ पे स्टक रहेगा, वो यहाँ से एग्जीक्यूशन खत्म नहीं करेगा क्योंकि उसको एंडिंग पॉइंट ही नहीं मिलेगा। तो आपने याद रखना कंट्रोल वेरिएबल को कभी भी स्किप नहीं करना, कंट्रोल वेरिएबल बहुत जरूरी है हमारे लूप को कंट्रोल करने के लिए, आइटरेशन को कंट्रोल करने के लिए।